आज भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत का एजुकेशन सिस्टम। हर बार जनता को यही सुनने को मिलता है कि अब हालात पहले से काफी सुधर चुके हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हालात सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही सुधरे हैं। आप और हमारी जैसी आम जनता के लिए एजुकेशन सिस्टम के हालात को अफोर्ड करना कोई आसान काम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक्स यूजर आकाश कुमार ने अपने बेटे के प्ले स्कूल की फीस सोशल मीडिया पर शेयर की थी। 2024-25 एकेडमिक सेशन की फीस थी 4,30,000 रुपए। अब जरा खुद सोचिए कि अगर 2.5 साल के बच्चे की प्ले स्कूल की फीस 4 लाख से ऊपर होगी तो ये जब बच्चा बड़ा होगा और धीरे धीरे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा तब क्या होगा। इंडिया में स्कूल और कॉलेजेस शिक्षा के मंदिर से निकलकर एजुकेशन को एक बिजनेस का रूप दे चुके हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया तो बहुत कुछ जाता है, पर फिर भी जब स्किल्स की बात आती है तो उसको एक्वायर करने के लिए बच्चों को अलग से कुछ सीखना पड़ता है। उसे कभी भी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है कि अगर जॉब हासिल करनी है तो उसके पास कौन सा अच्छा पर्टिकुलर स्किल सेट होना चाहिए जिसकी वजह से वो रोजगार हासिल कर पाएगा। और जहां तक स्कूल लेवल एजुकेशन की बात आती है तो माँ बाप प्राइवेट स्कूल को एज ए सोशल स्टेटस कंसिडर करते हैं। हालांकि उनका मकसद यही होता है कि हमारे बच्चों को हर तरह की सहूलियत मिले, अच्छी शिक्षा मिले। पर अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो जब तक आपका बच्चा नवोदय, सैनिक या फिर केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है तब तक आप ये बात नहीं कह सकते कि आपके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे टीचर्स अवेलेबल होंगे। पर इन स्कूल में चाहे वो नवोदय हो, सैनिक हो या फिर केंद्रीय हो, वहां जाने के लिए बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है, पेपर पास करना पड़ता है। बाकी नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में है तो बाकी आप भूल जाइए, आपके बच्चों को कोई भी अच्छी सहूलियत नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि इंडिया में मिडिल क्लास आदमी भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है जिसकी फीस लाखों में होती है। लेकिन आयरनी ये है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके बच्चों को या बच्चों की पढ़ाई पर लाखों रुपए लगा देंगे तो आगे चलकर आपके बच्चे को अच्छी जॉब मिल पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं, पर इनमें से सिर्फ 2.5 लाख इंजीनियर ही टेक्निकल डोमेन में जॉब हासिल कर पाते हैं। और पूरे 15 लाख में से 3% इंजीनियर ऐसे होते हैं जिनको नौकरी में 8-10 लाख का अच्छा पैकेज मिलता है, बाकी सभी को 3.5-4 लाख पर एनम का पैकेज से ही गुजारा करना पड़ता है। इंटरनेट पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि किसी भी अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का खर्च लगभग 8-10 लाख रुपए का आता है। प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बैकग्राउंड की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटने के साथ साथ हमारा ऑथेंटिक एजुकेशन सिस्टम को भी हमसे छीन लिया है और बदले में हमें दिया है मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन का झुंझुना जो आज तक हम हाथ में पकड़े झुंझुना रहे हैं। ब्रिटिश राज में ब्रिटिशर्स ही ऊंची पोस्ट में बैठा करते थे तो उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से तैयार किया कि ज्यादातर भारतीय सिर्फ और सिर्फ क्लर्क का ही काम कर पाए और जो भी ऑर्डर उनके सुपीरियर ब्रिटिशर्स ऑफिसर उन्हें देते थे उन्हें समझे, फॉलो करें और एग्जीक्यूट करें। इसके लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश भाषा को और ये सभी काम किए गए थे थॉमस बैबिंगटन मैकॉय के द्वारा। और आज देश के हालत देख लीजिए, अगर कोई इंग्लिश में बात ना करे तो सब लोग उसको अनपढ़ समझते हैं। भारत में पंजाबी, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, गुजराती और अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी सोशल स्टेटस हाई करने के नाम पर इंग्लिश को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया था ताकि वो भारतीयों को सिर्फ जूनियर लेवल पर ही काम करने के लिए तैयार कर सकें। पर आप खुद सोचिए कि अगर किसी एजुकेशन सिस्टम की नींव इस बेसिस पर रखी गई हो कि लोगों को तैयारी इसलिए करना है कि ताकि वो किसी के नीचे काम कर सकें, तो क्या ऐसे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले लोग या बच्चे तरक्की कर पाएंगे? वो भी तब जब उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ कोई छोटी मोटी जॉब यानी कि क्लर्क जैसी जॉब को ढूंढ लेना हो। देखिए, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में बच्चे अपनी स्टडीज के साथ साथ साइड हसल यानी कि जॉब करते रहते हैं। जैसे ही वो 18 साल के होते हैं वो अपना काम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अपने हायर स्टडी को फोकस नहीं करते या प्रेफरेंसेस नहीं देते, पर वहां का कल्चर ऐसा है कि 18 साल के होते ही माँ बाप आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपना गुजारा खुद करेंगे। पर इंडिया में यूथ के हालात इससे बिल्कुल अपोजिट है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज इंडिया में 42% युवा ऐसा है जो कि ग्रेजुएट है, टेक्निकल डिग्री उनके पास और लगभग वो 25 साल की उम्र वाले हैं, पर फिर भी वो बेरोजगार हैं। अब ऐसे आंकड़े देखकर एक सवाल पैदा होता है कि स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन डिग्री हासिल करने के बाद भी इंडियन यूथ इतना कैपेबल क्यों नहीं है कि वो अपने गुजारे लायक कोई काम धंधा ढूंढ सके। अब इस बात का सीधा सा जवाब यही है कि हमारा यूथ इस लायक ही नहीं है कि उसे कोई जॉब मिल सके, या फिर यूं कह लीजिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है कि वो हमारे बच्चों को वो सारी स्किल्स नहीं सिखा पा रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है।
21st सेंचुरी में किसी भी जॉब को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है डिजिटल स्किल्स। पर आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं दोस्तों, जो बताते हैं कि कुछ इंडियन यूथ के लिए कॉपी पेस्ट करना भी एक इम्पॉसिबल सा टास्क बन चुका है। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम जैसे स्टेट्स में 15 से 29 साल के नौजवानों में सिर्फ 30% को ही कॉपी पेस्ट करना आता है। 4 में से 3 युवा ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन की बात करें तो 10 में से सिर्फ एक ही युवा ऐसा होगा जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर और प्रेजेंट कर सकता है। अगर डिजिटल स्किल्स को साइड में रखकर बाकी स्किल्स के बारे में बात की जाए तो वहां भी हालात काफी बुरे हैं और इनको समझने के लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक बच्चे को अच्छा इंसान बना पाए, एक बच्चे में सही और गलत की पहचान करने की क्षमता हो। पर क्या ऐसा होता है? क्योंकि हमारे स्कूल में हम बच्चों को हमेशा यही माहौल देते हैं कि जो कहा जा रहा है वही करो, किताबी ज्ञान के अलावा आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते या पूछ सकते। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो भूल जाइए कि उसको कोई भी क्रिएटिव माहौल मिलेगा। और हाँ, अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो वहां उसको क्रिएटिव माहौल पूरा का पूरा मिलेगा, पर उसके लिए आपसे अलग से पैसे वसूल किए जाएंगे। फीस भरने के साथ साथ बच्चों की ड्रेस, किताबें, आर्ट एंड क्राफ्ट के कोई सामान, किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाना हो या फिर कोई एजुकेशन सेमिनार अटेंड करना हो तो प्राइवेट स्कूल में आपको इन सभी चीजों के लिए अलग अलग पेमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में चला जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अमीरों के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फीस चाहे जितने भी हो, वो अच्छे लेवल की एजुकेशन हमेशा एक्वायर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा बुरी तरह से सफर करता है एक मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे। एक आम इंसान अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहता क्योंकि उसको पता है कि उसके बच्चे को उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिलेगा जिससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस अप हो पाए। फिर वो रुख करता है प्राइवेट स्कूल की तरफ, पर वहां पर फीस बहुत हाई होती है। फिर भी जैसे तैसे करके अपना पेट काटकर, अपनी जरूरतों को कम कर लोन उठाकर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल और कॉलेज में भेजता है। पर जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर एजुकेशनल डिग्री पर पैसा ज्यादा खर्च कर देंगे तो आगे चलकर ज्यादा पैसा कमा भी पाएंगे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज उस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर नहीं करता। सबसे पहले और बड़ा ड्रॉबैक जो बच्चों को स्कूल टाइम में ही देखने को मिलता है वो है रोट लर्निंग डोमिनेंस वर्सेस स्किल्स डेवलपमेंट। सिंपल भाषा में बताऊं तो बच्चों को किसी भी इंफॉर्मेशन का रट्टा लगवाने के बजाय उन्हें किसी भी चीज के बारे में समझाया जाए कि कैसे ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है, कोई पर्टिकुलर स्किल्स डेवलप की जाए जिसको आगे चलकर वो अपनी जिंदगी में अपना सके, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी स्किल्स। बचपन से ही बच्चे चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हम हमेशा यही अप्रोच रखते हैं कि जो टीचर बोलेगा बच्चे उसके पीछे पीछे उसे बात को दोहराएंगे, याद करेंगे और वही चीज फिर एग्जाम में आएगी, बच्चे उसे लिख कर पास हो जाएंगे। दोस्तों, ये रोट लर्निंग आपके बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और चीजों को समझने की क्षमता को खत्म कर सकती है। और अगर स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए तो उसे बच्चा प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर हर चीज का सलूशन निकाल पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका बच्चा स्कूल में कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो उसे कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल करके समझे उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बजाय इसके कि वो कंप्यूटर की किताब उठाए और सब कुछ रटा मार ले कि कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं या फिर कैसे काम करता है। अगर आपके बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि मुझे किसी भी बात को समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों का रट्टा मारना है और अच्छे नंबर लेने के लिए एग्जाम में वो चीज लिख के आनी है, तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा आने वाले समय में कोई नई इन्वेंशन कर पाएगा या फिर इनोवेटिव तरीके से सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सोच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई रट्टा मार के ही समझा है। और फिर आती है एजुकेशन सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी कमी, आउटडेटेड कैरिकुलम। देखिए, भारत के स्कूलों में जो मौजूदा कैरिकुलम है वो पूरी तरह से आउटडेटेड है, जो कि 21st सेंचुरी की नीड के हिसाब से अपना तालमेल बैठाने में बिल्कुल फेल हो रही है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर आज के समय में किसी को भी डिजिटल दुनिया में सर्वाइव करना नहीं आता है तो पक्की बात है कि वो पीछे छूट जाएगा, और यही भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रहा है। अगर डिजिटल एजुकेशन की बात की जाए तो भारत के सारे स्कूलों में से 14.9% स्कूल ही ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लासरूम एग्जिस्ट करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे कि टैब, लैपटॉप्स, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करके क्रिएटिव तरीके से बच्चों को समझाया और पढ़ाया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर स्मार्ट लैब भी आते हैं, जैसे कि कोई सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड होता है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड हाईटेक लैब्स स्कूल में बनाई जाती हैं जिसकी मदद से बच्चे एक्सपेरिमेंट नॉलेज हासिल कर पाते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसको लेकर काम नहीं कर रही है, पर अभी भी हम बाकी देशों से काफी पीछे हैं। पर दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि स्कूलों में साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई करिकुलम नहीं है, बल्कि दिक्कत यह भी है कि कई स्कूलों में स्मार्ट लैब्स और क्लासरूम बनाए हुए तो हैं पर फंक्शनल नहीं है। उदाहरण के तौर पर सिर्फ कर्नाटक की बात की जाए, 13% स्टेट स्कूल में टेक लैब्स अवेलेबल हैं, पर उनमें से 7% टेक लैब्स किसी न किसी कारण की वजह से इस्तेमाल में नहीं ला जा पा रहे। मतलब ये कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि हमें रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना नहीं आ पा रहा है। और इसी के साथ एक और प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया है कि जो वहाँ के फैकल्टीज हैं, जो हमारे कॉलेज और स्कूल्स में जो फैकल्टीज हैं, उनको भी नहीं पता कि किसी बच्चे को कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करना है, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नीड क्या है। क्योंकि जो फैकल्टीज वहाँ पे खुद वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसी कॉलेज से डिग्री लेकर वहाँ फैकल्टी बन जाते हैं, और जब उनको ही को नहीं पता कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए किसी स्टूडेंट को कैसे तैयार करना है, तो वो कैसे आगे आने वाली जनरेशन को तैयार कर पाएंगे, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? हो सकता है कि आप ऐसे कुछ लोग जो मैथ के फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करते हो, उनको इसका जवाब पता हो, बट आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनको इसका जवाब नहीं पता होगा, पर उन्होंने ये स्कूल में पढ़ा जरूर होगा। पर क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रही है ये चीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर? तो इसका साफ साफ जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनको स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए। जो भी चीज आज हमें पढ़ाई जाती है, भले ही वो हमारे इंटरेस्ट में हो ना हो, या इन फ्यूचर हमें कोई काम आए ना आए, पर कहीं ना कहीं हम सभी में एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पैदा करती है, जिससे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं, क्रिटिकल बातें समझकर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। पर क्या आपके स्कूल टाइम में आपको वो सभी बातें सिखाई गई थी जो आज के समय में आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते समय अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स? आई एम श्योर अब मेरे सवाल ने आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि इन सभी स्किल्स के बारे में हम अपने इंटरव्यू में बोल तो देते हैं, बट इस बात पर गौर कभी नहीं करते कि क्या असल में हम उनके बारे में कोई नॉलेज रखते भी हैं या नहीं। और ये वो स्किल्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर प्रोफेशनल करियर में हमें हमेशा सपोर्ट करती हैं। आपने ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे जो स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, हमेशा टॉप करते हैं, पर ना उनमें कोई कॉन्फिडेंस होता है, ना वो किसी से ढंग से बात कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीख पाते। और इसका सिंपल सा रीजन यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उन्हें किताबी कीड़ा बना रहा है कि जो किताब में लिखा है उसे पढ़ो, याद करो, एग्जाम में लिख कर आओ। किसी से कैसे बात की जाती है, खुद को कैसे अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, 4-5 लोगों की टीम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें कभी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल और कॉलेज अटेंड करने के बाद भी हमें ये सब सीखने के लिए अलग से कोर्स करने होते हैं, अगेन जिसके लिए हमें फिर से लाखों की फीस पे करनी पड़ती है। पर्सनल स्किल्स को एक तरफ रखकर अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, तो वहां पर भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। हमें कभी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। भारत के लोगों की मेंटल हेल्थ राम भरोसा ही चल रही है। अगर कोई जिंदगी के हालातों से लड़कर कुछ सीख पाया तो ठीक है, अगर कोई सीख नहीं पाया तो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जरूर गुजर रहा होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे पब्लिश करते हुए ये बताया था कि लगभग 48% इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से हाई रिस्क पर हैं। और वहीं पे इंडिया के रूरल एरिया के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वहां पर हालात और भी खराब है दोस्तों। आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल होती रहती हैं जिसमें बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं, टीचर आराम से सो रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक उत्तर प्रदेश के उन्नाव के स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक प्रिंसिपल स्कूल में अपना फेशियल करवा रही थी, और जब उसने देखा कि एक टीचर उनकी वीडियो बना रही है, तो प्रिंसिपल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हर साल जब 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे होते हैं, तब हमें ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, खासकर पिछड़े हुए इलाकों में, जहां पर स्टूडेंट चीटिंग कर रहे होते हैं और उनके दोस्त स्कूल के बिल्डिंग में चढ़कर खिड़कियों से उनके पर्ची पास करवा रहे होते हैं, ताकि वो चीटिंग करें, अच्छे से एग्जाम लिख पाएं और अच्छे से मार्क्स लेके आ पाएं। देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे पहले और बड़ा सलूशन यही है कि सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारा जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गरीब आदमी का बच्चा भी सरकारी स्कूल की तरफ रुख करता है। अगर गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो मिडिल क्लास आदमी भी सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चे को पढ़ाएगा, ताकि उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। सरकार को प्राइवेट स्कूल पर भी नजर रखनी होगी, ताकि वो माँ बाप को पैसे के लालच में बच्चों की फीस बढ़ाकर एक्सप्लॉइट ना कर सकें, जो कि हो रहा है आज की डेट में।
क्योंकि फिलहाल अभी सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो वहां पे जो बच्चों का खर्च आता है वो 20,000 रुपए का आता है, लेकिन वही दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो एवरेज फीस दुगनी से भी ज्यादा होती है, यानी कि 47,000 के आसपास होती है। और जैसे जैसे स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है यह फीस लाखों तक पहुंच जाती है। अफोर्डेबल होने के साथ साथ हमें एजुकेशन को क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। इसके अकॉर्डिंग इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कॉग्निटिव स्किल्स के साथ साथ फाउंडेशनल स्किल्स जैसे कि लिटरेसी, न्यूमेरेसी और हाई ऑर्डर स्किल्स जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड बच्चों में पैदा किया जा सके। नए एजुकेशन पॉलिसी की यह भी खास बात होगी कि बच्चों में इमोशनल और सोशल स्किल्स भी डेवलप कर पाएगी, जैसे कि कल्चरल अवेयरनेस, टीम वर्क, लीडरशिप, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखना यह होगा कि हमारा सिस्टम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करता है और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि आपको इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के प्रति भड़काया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे ही एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे काम करने वाला यूथ यहां से निकला है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम, हमारे भारत का नाम रोशन कर चुका है और फिलहाल देश में रहकर देश का नाम भी रोशन कर रहा है। पर हम सभी को इस बात को भी एक्सेप्ट करना होगा कि इतना काफी नहीं है। अगर हम सच में अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और जल्द से जल्द भारत को डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार लाने पड़ेंगे, और सुधार तभी आते हैं जब हम अपनी कमियों को पहचानते हैं। सरकार के साथ साथ देश के युवा को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि अगर आप स्कूल और कॉलेज में कोई ऐसी चीज नहीं सीख पाए जो आपके रोजगार हासिल करने के लिए चाहिए तो आप मेहनत करके बिना टाइम वेस्ट करे वो सभी स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। देश के लगभग हर नागरिक के पास इंटरनेट मौजूद है और इंटरनेट पर हर तरह की नॉलेज अवेलेबल है। सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको क्या सीखना चाहते हो और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी अगर आप सिस्टम की ही कमियां निकालते रह जाएंगे तो कभी भी आप सिस्टम को बदल नहीं पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात साफ साफ बोलूं कि सरकार के भरोसे मत बैठिए, अपना रास्ता खुद ढूंढिए। किसी भी तरह के स्कूल और कॉलेजेस को कोसने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और मेरा कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज मत उठाइए, पर आवाज उठाने के साथ साथ हमें खुद को भी इतना कैपेबल बनाना होगा ताकि हम जिंदगी में कुछ अचीव कर पाए। सिस्टम के बदलने का इंतजार मत कीजिए, कहीं उसके इंतजार में आपकी जिंदगी ही ना निकल जाए, आपकी जिंदगी ना बदल जाए। अच्छा यही रहेगा कि खुद को बदलिए और प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स को एक्वायर कीजिए ताकि नौकरी मिल सके। नौकरी होगी तो जेब में पैसा होगा, जेब में पैसा होगा तो पेट में खाना होगा दोस्तों। और याद रखिए, खाली पेट किसी भी चीज से लड़ा नहीं जा सकता।